देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मोशन। हम लोग मोशन के बारे में पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। मोशन होता है क्या है, मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक्सेलरेटेड होता है, नॉन एक्सेलरेटेड होता है। मोशन के बारे में तो हम लोग बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश भी किए, और फिर मोशन को समझ कर हम लोग ये समझने में आया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम अगर अपना पोजीशन चेंज करे तो उसको मोशन कहते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर में हम लोग को फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना है। फोर्स अपने आप में एक अजीबोगरीब चीज है। इसके ऊपर में बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, अपना अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले तो आप ये देखिए कुछ रियल लाइफ में, तो देखते होगा कि मान लें कि बेंच पे रखा हुआ एक बॉटल है, हम उस पैर से इसको ऐसे मारते हैं, लेट ऐसे मारे हल्का थोड़ी जोर से, क्या बॉटल वहां से गिर गया? नहीं गिरा। नहीं ना गिरा, क्यों नहीं गिरा? जबकि तो हम फोर्स अप्लाई किए हैं, फोर्स अप्लाई किए तो उसको गिरना चाहिए था, फिर वो क्यों नहीं गिरा? फिर वहां पर बैलेंस नहीं होता है। वहां पे होता यह है, अच्छा कभी कभी तुम लोग बचपन में बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे, याद है कि एक बचपन में क्या करते, एक ग्लास ले लेते थे, ग्लास के ऊपर में एक हार्ड चीज रखते थे और उसके ऊपर सिक्का रखते थे और उस हार्ड चीज को खींच देते थे, सिक्का ग्लास में गिर जाता था। आप लोगों को लगता हो कि ये एक जादू है, कभी सोचे हो कि आखिर वो ऐसा क्यों हुआ? चलिए और समझाइए, आप किसी चीज पे बैठे हुए हो, मान लो ना कि किसी लकड़ी के ऊपर में ऐसे हम खड़े हैं इस तरीके से, और कोई आया और नीचे वाला पोर्शन पे कस के मारा, वो उधर फेंका जाता, ठीक है ना? देखोगे कि एक लड़का है जो इस तरीके से, एक स्टूल है, मान लीजिए ये स्टूल है, इसके ऊपर में एक लड़का खड़ा है, ठीक है ना? कोई आया इसका फ्रेंड, मजाक मजाक में इस स्टूल पे कस के मारा, स्टूल तो दूर फेंका जाता है लेकिन लड़का वहीं गिरता है, क्यों? उसको भी तो फेंकाना चाहिए था स्टूल के साथ, वो क्यों नहीं फेंकाया? ये सब एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है, हर ऑब्जेक्ट का। अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि हर ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे, एक जनरल, आप बाइक पर बैठे हुए रहते हो, बैठते हो ना, जैसे ही पापा बाइक स्टार्ट करते हैं कहाँ फेंकाते हैं? बाइक जैसे स्टार्ट की फेंकाती हो, मतलब फेंकाती, मतलब नहीं कि बाइक से एकदम फेंका गए बाहर नीचे, नहीं, आप पे एक झटका लगता है, किधर लगता है? आप देखो ना, ऐसे हम पीछे की तरफ हल्का गिरते हैं, लगता है कभी एहसास हुआ? तो हल्का स्टार्ट करते होंगे तुम, और जैसे वो ब्रेक अप्लाई करते होंगे तो फिर आप आगे के तरफ झुकते हो। ये सब क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इन सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आखिर हम आगे क्यों फेंका है, वहां पे क्या लगा? अगर गाड़ी स्टार्ट हुआ तो हम पीछे क्यों फेंका है? बस में खड़े रहते हैं, बस जब तक चलते रहता है तब तक आराम आराम से मजे में हम खड़े रहते हैं, एकदम इस तरीके से तन के। प्रॉब्लम कब होता है? जब ड्राइवर वो ब्रेक अप्लाई करता है। जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा ना, तब तक तुम आराम से ऐसे हाथ छोड़ के भी खड़े रह सकते। वैसे ही आप मजे में, अगर गाड़ी रुका हुआ है, बस रुका हुआ है, तो मजे में हम लोग खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही ड्राइवर स्टार्ट करता है तो फिर हम लोग फेंकाते हैं। ये सब एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स होता क्या है, तो आप जानते हैं पुशिंग और पुलिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग फोर्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक ना?
इसके लिए आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी पढ़ोगे, बहुत सारे तरीके से देखा भी गया। जैसे कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बॉल लिया, बॉल को क्या किया कि वो रोल करवा दिया, ठीक है, बॉल को रोल करवाए, बॉल को रोल करवाती तो तुम क्या देखते हो, रोल करने के बाद धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होता है, कम होता है, होता है कि नहीं होता है। एक बॉल को हम ऐसे लेके सरफेस वैसे रोल करवाते हैं तो क्या वो जिस स्पीड से फेंके हैं उसी स्पीड से मूव करते रहेगा कि कुछ समय के बाद उसका स्पीड कम हो जाएगा, फिर उनके दिमाग में पहुंच सकता है इसका स्पीड आखिर कहीं कम हो गया। फिर उन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लाया, फिर उन्होंने क्या किया कि जो सरफेस उसको फेंक रहे थे ना उसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, स्मूथ मतलब और चिकना किया, देखे कि बॉल जितना दूर जा रहा था उसे थोड़ा और दूर गया पहले के कंपेयर में। जैसे मान लिया कि ये एक ऐसे उन्होंने एक स्लोप बनाया, लेट्स ऐसे यहां से यहां तक और यहां पे बॉल लेकर के और इसको छोड़ दिया, तो देखिए पहला कैसे बॉल रोल करते करते यहां तक आया, ठीक, यहां से छोड़े यहां तक आया। अब इस सरफेस को और स्मूथ किया, स्मूथ मतलब अब चिकना किया, तो देखिए चिकना करने के बाद बॉल यहां तक चला गया क्योंकि बॉल को यहीं से रोल करवाया, ये यहां तक आ गया, उसको और स्मूथ कर दिया एकदम चिकना, देखिए एकदम दूर तक चला गया। अब थोड़ा सा रफ कर दी, जैसी रफनेस बढ़ाई थी ये हो सकता है यही पर रुक गया, फिर उसके दिमाग में आया कि हो ना हो ये बॉल जो है क्योंकि हम जब भी इसको गिरा रहे थे एक सेम हाइट से गिरा रहे, कुछ ज्यादा जा रहा दूर कुछ कम जा रहा, और सब इस कमाल किसका, तो सरफेस का, जितना स्मूथ कर रहे उतना दूर जा रहा, जितना रफ कर रहे उतना पास जा रहा, तो हो ना हो ये सरफेस का ही देन है कि वो ज्यादा दूर जा रहा है या कम। तो इसका मतलब सरफेस जो है इस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है तभी तो वो अपना पोजीशन में ज्यादा या कम चेंजेस हो रहा है। हम यहाँ पे खड़े हैं, ध्यान रखना कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुक गया या चलने लगा तो इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, मजे में खड़े हैं, बहुत देर तक खड़े हैं और हम अचानक से गिर गए तो क्या हम पागल हैं? हमको पता है कि कोई ना कोई जरूर धक्का दिया हमको तभी तो रुके हैं। आप साइकिल पर जा रहे थे बहुत मजे में पैंडल मारते हुए और आपको कोई पीछे से पकड़ लिया, आपका साइकिल अचानक से रुक गया, मान लिया रुक गया, लेट्स से रुक गया, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा कि हो ना हो पीछे से मेरा कोई साइकिल को पकड़ लिया, मेरे साइकिल पर कोई फोर्स अप्लाई किया तो ही रुका। अगर कोई रुका हुआ चलने लगा तो इसका मतलब कि वो फोर्स अप्लाई किया तभी चला, और अगर कोई चल रहा था रुक गया तो इसका मतलब कि वो हमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया। यहां से यह बॉल जो था वो चल रहा था, चलते चलते रुक गया, इसका मतलब यहाँ पे इस बॉल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुआ, और जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई, देखो अगर मान लो कि कोई साइकिल तेजी से जा रहा है और कोई बहुत कस के पकड़ लेगा तो तुरंत रुक जाएगा, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उतना जल्दी रुकेगा और जितना कम फोर्स अप्लाई करेगा वो उतना दूर जाके रुकेगा, ये भी तो पता है ना तुमको। अगर मान लो कि हम साइकिल हम चला के जा रहे हैं एकदम पूरा फुल एनर्जी के साथ और एक वन क्लास का बच्चा पकड़ लिया पीछे, सर 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 सर, हो सकता है कि उसको खींच के हम कम से कम 7-8-10 मीटर दूर लेके जाएंगे तब साइकिल रुकेगा, या नहीं भी रुक सकता है, थोड़ा स्पीड जरूर कम होगा लेकिन नहीं भी उसको हम खींच भी सकते हैं। उसके कंपेयर में 3 क्लास का बच्चा तो जितना दूर हम उसको खींच के लेंगे उससे थोड़ा सा कम भी दूर तक हम 3 क्लास के बच्चे को ले जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा फोर्स अप्लाई किया मेरे साइकिल पे, 10 क्लास के बच्चा लेंगे पकड़ लिया पीछे से कितना दूर साइकिल उसको खींच पाएंगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उतना जल्दी रुक जाएंगे। तो इसका मतलब कि ये बॉल अगर जल्दी रुका है तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ, यहाँ थोड़ा दूर गया यहाँ पे उससे कम फोर्स
जो सरफेस जितना ज्यादा रफ उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा, और जो जितना स्मूथ उतना कम फोर्स अप्लाई कर रहा, और सरफेस जो इस फोर्स मतलब बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है उसको एक फोर्स कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन रब जो होता है एक सरफेस के ऊपर तो दूसरा सरफेस, दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही ऐसा कुछ हुआ। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस ले लेते, फ्रिक्शन लेस मतलब यहां पर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता और यहां से बॉल को छोड़ दो तो चलते जाएगा और कहां जाकर रुकेगा इसका कोई ठर ठिकाना नहीं है। आप साइंस सेंटर जाइए पटना साइंस सेंटर में, तो उसमें देखिएगा ना तो एक है पुस्तक गैजेट का इस तरीके से गोल बना हुआ है, उसमें लोग क्या करते हैं एक सिक्का को घुमा देते हैं या एक बॉल को घुमा देते हैं, गोल बॉल, ये गोल 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 एक लंबे टाइम तक उसके अंदर वो गोल गोल घूमते रहेगा, उसका फ्रिक्शन काफी कम होता है। तो अगर यहाँ पे सरफेस से फ्रिक्शन को हटा दो ना तो तुमको पता है एक बॉल को एकदम हल्का स्पीड से भी छोड़ दो ना मूव करा करके तो इतना दूर जाएगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, कभी रुकेगा भी नहीं। तो रुकता है तो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण, समझे। हम इन्हीं सभी चीजों को इस चैप्टर के अंदर में पढ़े हैं। फोर्स क्या होता है तो पुशिंग और पुलिंग, यहाँ पे फोर्स क्या होता है कि अपोज कर रहा, उसके वेलोसिटी को अपोज कर रहा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में कि पुशिंग और पुलिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का या तो स्पीड बढ़ता है या घटता है या उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो किसके कारण होता है, फोर्स के कारण। बिना किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन में थोड़ा सा भी चेंजिंग हुआ तो फोर्स के कारण ही होता है। आप सबको पता ही होगा कि फोर्स क्या कर सकता है, तो फोर्स आपका स्पीड को बढ़ा सकता है, स्पीड को घटा भी सकता है, आपके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मान लो कि हम ऐसे थे, ठीक है, साइड से पाइप लाया, यहां मारा कस के इस पोर्शन पे, तो हम आगे नहीं फेंकाएंगे, यहां मारेगा तो ऐसे घूम जाएंगे, होता है ना चेंज डायरेक्शन। तो फोर्स के कारण हम डायरेक्शन को चेंज कर जाते हैं, शेप चेंज हो जाता है कभी कभी, कोई आया मारा कस के दम थोड़ा भी पूरा थोड़ा भी कर दिया, फोर्स के कारण ही हो सकता है। ये सब जो चेंजिंग होता है ना फोर्स के कारण होता है। अब हम लोग फोर्स पढ़ेंगे दो तरह, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स समझने के लिए सोचिए कि सिंपल से तुम इतना समझ लेना ना,